ओनली 500 रुपीज पर डे। मैं जहाँ पे था ये बिल्डिंग में। पराठा हो गया है, चिकन तो पहले ही हो चुका है, अभी करना है भोजन। वेरी गुड आफ्टरनून। तो दोस्तों, कल मैंने रात को ये त्रिवेंद्रम में करीब करीब 9:30 बजे आया। मैंने एक गेस्ट हाउस में एक रूम ले लिया था कल के लिए। ओनली 500 रुपीज पर डे, 24 आवर्स के लिए ये लोग चार्ज करते हैं। तो 500 रुपीज इट्स वेरी चीप आई थिंक। हाँ, सो उसके हिसाब से रूम भी अच्छा ही था। हाँ, एसी नहीं था, नॉन एसी ही था। मैं जहाँ पे था ये बिल्डिंग में। तो अभी भूख लग गया है, अभी खाने के लिए जाएंगे लंच के। तो लंच आज यहाँ पे सामने में एक तो अच्छा रेस्टोरेंट मुझे मिला है, कल रात को वहीं पे जाके डिनर किया। तो वहीं पे जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, फिर जाते जाते आपसे बात करते हैं। मैं हाँफ रहा हूँ क्योंकि पीछे देख पा रहे हैं ना, ये आप है। ठीक है, कोई बात नहीं है, भूख थोड़ा ज़्यादा लगेगा। और जब मैं वापस जाऊंगा तब तो मैं डाउन पे जाऊंगा, तब तो खाना हजम भी हो जाएगा, उतना तकलीफ भी नहीं होगा। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये बस स्टैंड जो है, ये है त्रिवेंद्रम बस स्टैंड। तो वो बस स्टैंड का जस्ट ऑपोजिट में ये आपका ये रेस्टोरेंट का नाम क्या है? मन्ना। ये नाम है इसका मन्ना, याद रखिएगा। अच्छा खाना मिलता है, बढ़िया मिलता है, क्वालिटी अच्छा है। ठीक है, ज़्यादा उतना वैरायटी नहीं थी, लेकिन जो भी मिलेगा आपको अच्छा मिलेगा, ये हम बोल सकते हैं। कल रात को भी खाना खाया था, अच्छा लगा। और ये सब यहाँ पे देखिए काम करता है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद अतीक। मोहम्मद अतीक। और तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। जावेद, वाह। मुहर्रम में क्या प्लान है, घर जाना है ना? नहीं जाएगा, मुहर्रम के बाद जाएगा। मुहर्रम के बाद जाएगा, अच्छा चलो ठीक है। बोनस मिलता है, वो बोनस मत लेके जाएगा। अच्छा, बोनस पे। ऐसे साल में कितने बार जाते हो घर में? साल में एक बंद हो जाता है, एक बार हो जाता है, एक बार जाता है, और डेढ़ महीना रहता है घर में, फिर वापस। घर किधर है? घर हमारा बिहार है, नवादा। और नवादा डिस्ट्रिक्ट में, अच्छा बिहार। ये देखिए वेस्ट बंगाल से ऐसे ये जो है ये वेस्ट बंगाल से है, मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये चाइनीज बनाते हैं। तो चलिए अंदर चलते। ये आपके सामने आ गया चिकन बिरयानी और साथ में कुछ सलाद दिए है, रायता दिया है, रायता, पापड़ और चटनी शायद, यही लग रहा है मुझे। चलिए फिर भोजन शुरू करते हैं, फिर उसके बाद दूसरी जगह चलेंगे। खाना ख़त्म करके मैंने फिर गेस्ट हाउस में गया, फिर वहाँ से अपना सामान वामान पैक कर लिया क्योंकि रात को मुझे कहीं और पे रुकना था। फिर वहाँ से गाड़ी लेके मैंने निकल पड़ा पद्मनाभी स्वामी टेम्पल के। टेम्पल के बाहर हूँ, यहाँ पे एक्चुअली आप देख सकते हो कि फोटोग्राफी प्रोहिबिटेड, सो दैट मुझे कैमरा लेके अंदर जाने के लिए अलाउ नहीं किया। तो बोला कि बाहर से आप ले सकते हो, लेकिन बाहर से जो व्यू मुझे आ रहा है ऐसे मैं आपको दिखाता हूँ। जस्ट पीछे मेरा स्टेज देखिए, वो सीधा दिख रहा है आपको ऊपर में, वो है टेम्पल। तो दोस्तों, मैं अभी आजीमला जो टेम्पल है शिव जी का टेम्पल,
यहीं पे आया हूँ, बस पार्किंग में अपना गाड़ी लगा दिया और फिर अभी टेंपल की ओर जा रहा हूँ। यहाँ से व्यूज़ बहुत अच्छा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले टेंपल का घूम लेता हूँ, टेंपल घूम के फिर बाहर का जो व्यूज़ है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। पीछे जो व्यूज़ है बहुत ही सही लग रहा है। तो आप लोग कोई भी अगर ये त्रिवेंद्रम आते हो तो ये जगह को ज़रूर आप लोग विज़िट कीजिएगा, बहुत ही अच्छा जगह है ये। उसके बाद मैंने वहां से निकल के कोवलम बीच में आ गया जहां पे मुझे रात गुजरना था। तो दोस्तों बहुत अच्छा जगह मिल गया मुझे कोवलम बीच के एकदम बाजू में, मतलब ये सामने मेरे सामने समुंदर है और यहां पे एक पार्किंग प्लेस, तो यहाँ मैंने बात कर लिया है। ऐसे तो ये शाम तक, मतलब रात को 10-11 बजे तक आदमी लोग रहता है, फिर होल नाइट तो कोई नहीं रहता है। तो मैंने पार्किंग वाले से बात कर लिया है तो बोला कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रह जाओ, आज थोड़ा चिकन बनाएंगे। तो उसका जो कटिंग वगैरह है ये मैंने कट करके सब मसाला ये मैरिनेशन में डाल के मैंने रख दिया है। थोड़ा सलाद भी मैंने काट के रखा है, देखिए ये थोड़ा सा, और बाकी का जो काम है थोड़ा आगे बढ़ते, नहीं तो ऐसे ही रात हो गया। ये देखिए कुत्ता आ गया, बिस्किट खिलाया इसको, एक पैकेट पूरा बिस्किट खिलाया। आटा भून रहा हूँ, ये ओट्स और नॉर्मल आटा का मिक्सचर है, इससे पराठा बनाएंगे। तो पराठा के साथ चिकन, साथ में सलाद, यही है आज का मेनू।
पराठा हो गया है, चिकन तो पहले ही हो चुका है, अभी करना है भोजन। खाना पीना हो गया, मेरा पेट भी बन गया है। तो आज का ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं फिर से। गुड नाइट।